डियर स्टूडेंट, मैं चंद्रशेखर कुमार, फिटर इंस्ट्रक्टर, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, अभी कोरोना का विकट स्थिति है और ऐसे परिस्थिति में हम लोगों को फिटर का क्लास, सैद्धांतिक क्लास करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अब आपका संस्थान SCVT से NCVT हो गया है। NCVT होने के कारण अब आपकी परीक्षाएं भी ऑनलाइन होगी और उसमें जो फिटर थ्योरी में जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होंगे, जबकि SCVT में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देना होता था। अब आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और स्क्रीन पे ही आपको ऑनलाइन क्वेश्चंस आएंगे और उसके उत्तर देने होंगे। अतः अब आपको सूक्ष्मता से अध्ययन करने की ज़रूरत होगी। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, फिटर NSQF स्तर 5। NSQF का मतलब है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। यह एक नई व्यवस्था DGET के द्वारा लागू की गई है, जिसके द्वारा प्रशिक्षणार्थियों में स्किल डेवलपमेंट, एप्टीट्यूड एवं सीरीज ऑफ नॉलेज विकसित किया जाता है। अतः अब आपका जो सिलेबस है NSQF लेवल 5 का है। जान है तो जहान है, ऐसा आप लोग सभी लोग जानते हैं। जैसे जब आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट भी पहनते हैं। हेलमेट पहनने से आपको सुरक्षा होती है और जब कभी अगर दुर्घटनाग्रस्त भी अगर गाड़ी होता है तो आपका सिर सुरक्षित रहता है। उसी तरह वर्कशॉप में जब हम काम करते हैं तो वहाँ पे दुर्घटना होने की संभावनाएं रहती हैं। तो वर्कशॉप में जो हम लोग कार्य करते हैं तो दुर्घटनाओं से बचने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उसे हम लोग सेफ्टी कहते हैं, अर्थात सुरक्षा कहते हैं। तो आज का जो पाठ है, इस पाठ के अंत में हम लोग कुछ चीज सीख पाएंगे, वो है कि सुरक्षा का महत्व क्या है, मशीन के साथ कौन कौन सा सेफ्टी प्रिकॉशन हमको करने हैं, स्वयं की रक्षा के लिए हम लोगों के लिए कौन कौन से उपाय करने हैं। आइए अब हम आपको वर्कशॉप सेफ्टी के बारे में बताते हैं। कोई भी दुर्घटना अपने आप नहीं होती है, इसके पीछे कोई कारण होता है। अधिकांश दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। एक अच्छे शिल्पकार या अप्रेंटिसशिप को मशीन के बारे में और उसके उपकरण के बारे में सही सही जानकारी होना जरूरी है। स्वयं की रक्षा और उपकरण की रक्षा दोनों ही जरूरी है। इसके लिए सुरक्षा के जो नियम है, सेफ्टी प्रिकॉशंस है, उसको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है।
वर्कशॉप में जब हम काम करते हैं तो हम लोगों को अपने जो ओवरऑल है और अपना जो वेशभूषा है उसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर जो फिगर दिखाया गया है उसमें दाहिनी ओर क्या क्या नहीं होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है और बाईं ओर क्या क्या होना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। आइए सबसे पहले हम एक एक कर इसकी चर्चा करें। लॉन्ग हेयर अर्थात जो वर्कशॉप में काम करते हैं उसके बाल लंबे नहीं होने चाहिए, उसके बाल छोटे होने चाहिए। शार्प टूल जो ओवरऑल पहनते हैं उसके ऊपर शार्प टूल नहीं रखना चाहिए। शार्प टूल पॉकेट में रखने से शार्प टूल शरीर में कहीं भी गड़ सकता है और उससे पर्सनल इंजरी हो सकता है। जो हम ओवरऑल पहनते हैं उसके बटन टूटे हुए नहीं होने चाहिए, बल्कि बटन जो है फास्टेंड होने चाहिए, मतलब सारे बटन ओवरऑल्स के लगे होने चाहिए। जो स्लीव है, जो हत्था बांह का हत्था होता है, उसे मोड़े हुए होने चाहिए, पूरा खुला हुआ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक ढीला ढाला और खुला हुआ कपड़ा कहीं मशीन में फंस कर आपके दुर्घटना का कारण हो सकता है। होल इन पॉकेट, पॉकेट के अंदर किसी प्रकार का छेद्र नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या है कि जो भी उपकरण है वो पैर पे गिरकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओवरऑल टू लॉन्ग माने ओवरऑल जो हम लोग बॉयलर पहनते हैं काम करने के समय वो काफ़ी लंबे नहीं होने चाहिए, अधिक लंबे होने से हमें चलने में कठिनाई हो सकती है, अर्थात ओवरऑल जो है करेक्ट साइज के होने चाहिए। सेफ्टी बूट होने चाहिए, सेफ्टी बूट मतलब जनरल जूते नहीं पहनने चाहिए। जनरल जूते पे अगर कोई भारी सामान पैर पे गिर जाए तो पैर कुचल सकता है। अगर सेफ्टी शूज पहनेंगे तो सेफ्टी शूज के अंदर में मेटल का एक स्तर होता है जिससे कि पैर की सुरक्षा होती है, अतः हमें सेफ्टी शूज ही वर्कशॉप में पहनने चाहिए। आइए अब हम जो सुरक्षा वर्कशॉप में जो सुरक्षा है उसे क्लासिफाइड करेंगे, उसे बांटेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ देख ही रहे हैं कि वर्कशॉप की सुरक्षा को तीन प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो है जनरल सेफ्टी मतलब सामान्य सुरक्षा, दूसरा जो है स्वयं की सुरक्षा, तीसरा जो है मशीन की सुरक्षा। सामान्य सुरक्षा का मतलब है कि वह सामान्य नियम जो वर्कशॉप में कार्य करने वाले सभी कामगारों को मानना चाहिए। स्वयं की सुरक्षा का मतलब है कि वैसे सेफ्टी प्रिकॉशंस जिससे स्वयं की जान माल की हानि से रोका जा सके। तीसरा मशीन की सुरक्षा, मशीन पे ही उत्पादन के कार्य किए जाते हैं, अगर मशीन खराब हो जाएगा तो उत्पादन प्रभावित होगा और उत्पादित वस्तु का कॉस्ट बढ़ेगा और समय भी बर्बाद होगा, अतः हमें स्वयं की सुरक्षा, मशीन की सुरक्षा और जनरल सेफ्टी तीनों का बराबर ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले हम जनरल सेफ्टी की चर्चा करेंगे। वर्कशॉप में जो फर्श या फ्लोर है या गैंगवे है उसे साफ और स्वच्छ रखें, अर्थात जहां हम काम करते हैं वहां साफ सफाई का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। सारे मशीन को भी साफ रखें और जहां जो काम करते हैं उस जगह को भी साफ रखें। वर्कशॉप में सावधानी से चलें,
दौड़े नहीं, डोंट हॉर्स प्ले इन द वर्कशॉप। अतः वर्कशॉप में घुड़दौड़ नहीं करने चाहिए, घुड़दौड़ करने से किसी मशीन से टकरा कर हम लोग जख्मी हो सकते हैं और दुर्घटनाएं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चालू हालत में जो मशीन है उसे छोड़कर कहीं नहीं जाए, किसी उपकरण या मशीन को तब तक ना छुएं एवं चलाएं जब तक कि उसकी जानकारी आपको नहीं हो जाती। वर्कशॉप के ऊपर क्रेन लगे होते हैं जिसके ऊपर कभी कभी भार को ढोया जाता है। जब भार को ढोया जाता है तो लटके हुए भार के नीचे ना चले, इससे कभी अगर वो भारी सामान स्लिप होकर नीचे गिरता है तो दुर्घटना हो सकती है। कार्य करते समय व्यवहारिक मजाक ना करें, अर्थात हंसी मजाक ना करें जिससे कि दुर्घटना हो सकती है। जॉब के लिए सही टूल्स का प्रयोग करें। सही टूल्स का प्रयोग करने का मतलब है पेचकस का जहां काम है वहां स्टील रूल का प्रयोग ना करें, अर्थात जिस टूल्स का जो कार्य है उसका वही कार्य करें, उससे अन्यत्र कोई दूसरा कार्य ना लें। टूल्स को सही स्थान पर रखें। अगर वर्कशॉप में तेल फैल गया है तो उसे तुरंत पोछें, अन्यथा फिसलन से दुर्घटना हो सकती है। घिसे या क्षतिग्रस्त टूल को तुरंत बदलें। अगर कोई टूल्स डैमेज हो गया है तो उसे बदल दें, यह दुर्घटना का कारण हो सकता है। कंप्रेस्ड एयर को अपनी तरफ या साथी के पास ना डालें, क्योंकि इससे महीन महीन टुकड़े उड़ के आँखों में जाके आपके नुकसान कर सकते हैं। वर्कशॉप में पर्याप्त उजाला हो, अर्थात मतलब वर्कशॉप में वेंटिलेशन और रोशनी आने का उचित प्रबंध हो। अगर कहीं अंधेरा है तो उस जगह पर पर्याप्त लाइट लगाए जाए, अन्यथा एक्सीडेंट हो सकता है। मशीन की सफाई तभी करें जब वह चालू हालत में ना हो, बंद मशीन में ही सफाई करें। चलती मशीन में सफाई करने से दुर्घटना हो सकती है। धातु के छीलन को साफ करें। धातु के छीलन जो भी ऑपरेशन होता है उससे स्क्रैप्स और छीलन निकलता है, उसको हाथ से साफ नहीं करना चाहिए बल्कि ब्रश से साफ करना चाहिए। मशीन को चालू करने से पूर्व उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करें। बिना जानकारी के कोई मशीन को चालू नहीं करें। चालू करने के पहले उसके बारे में सारी जानकारी हासिल कर लें कि किस प्रकार मशीन चलता है, किस प्रकार बंद होता है, किस तरह से उसके ऊपर काम करना है। स्वयं की सुरक्षा, पर्सनल सेफ्टी। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, जान है तो जहान है। अतः वर्कशॉप में कार्य करने के समय हमेशा पर्सनल सेफ्टी का ध्यान रखें। वर्कशॉप में जब हम काम करने जाते हैं तो हमें एक पीस वाला ओवरऑल, जिसे बॉयलर सूट भी कहते हैं, को पहनने चाहिए। ओवरऑल की बटनों को लगा कर रखें, कोई बटन खुला नहीं रखना है। टाई या स्कार्फ का प्रयोग ना करें, क्योंकि टाई या स्कार्फ किसी मशीन चलती मशीन में फंसकर आपकी जान ले सकते हैं। कोहनी के ऊपर बांह को रोल या मोड़ कर रखें, क्योंकि अगर बांह लंबा होगा तो भी यह मशीन में फंस सकता है और दुर्घटना का कारण हो सकता है। वर्कशॉप में सेफ्टी शूज या बूट और गॉगल्स पहने। सेफ्टी शूज से आपके पैर का नुकसान होने से बचेगा, पैर चोटिल नहीं होगा, और गॉगल्स जहां कहीं पर भी चिप्स उड़ने की आशंका हो और वेल्डिंग में अल्ट्रावायलेट रेज निकलने से आँख को दुर्घटना हो सकती है, नुकसान हो सकता है, वैसे जगह गॉगल्स पहने। छोटे बाल रखें, लंबे बाल रखने से दुर्घटना हो सकती है, अतः छोटे बाल रखें। अगर लंबे बाल हैं तो उसे बांध कर रखें। अंगूठी, चैन, घड़ी आदि ना पहने, क्योंकि ये सब भी दुर्घटना के कारण हो सकते हैं। मशीन पर कभी ना झुकें,
मशीन के ऊपर यथासंभव सीधे खड़े होकर काम करें और झुकने से आपका एक्सीडेंट हो सकता है। शीतलक में हाथ ना धोएं। शीतलक का मतलब होता है कि जब कहीं फ्रिक्शन पैदा होता है तो उसमें हीट जनरेट होता है, और हीट को हटाने के लिए हम लोग कूलेंट अर्थात शीतलक का प्रयोग करते हैं। उस शीतलक से हाथ को नहीं धोना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स भी लगे होते हैं और जो कि आपकी त्वचा के प्रति सेंसिटिव भी होते हैं और वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। चलती मशीन में गार्ड को अलग नहीं करें। गार्ड का मतलब है कि चलती मशीन में जहाँ कहीं चेन है उसके ऊपर गार्ड लगाया जाता है ताकि डायरेक्ट हाथ उसके संपर्क में ना आए। तो गार्ड अगर हम नहीं रहेगा तो दुर्घटना हो सकती है, या चलती मशीन में गार्ड को अलग ना करें। टूटे हुए चिप्स या टूल्स का प्रयोग ना करें। टूटे हुए चिप्स टूल्स का प्रयोग करने से दुर्घटना हो सकती है। मशीन को तब तक चालू ना करें जब तक वर्क पीस मजबूती से नहीं पकड़ा हो। मतलब जो भी वर्क पीस जिसके ऊपर काम किया जाना है उस वर्क पीस को बहुत ही फर्मली होल्ड करना जरूरी है, नहीं तो चलने पे वह उड़कर कहीं गिर सकता है और आपको दुर्घटना का कारण हो सकता है। जब मशीन मोशन में हो तो उस समय क्लैंप्स या होल्डिंग डिवाइस को एडजस्ट ना करें, ऐसा करने से एक्सीडेंट हो सकता है। गीले हाथों से बिजली के उपकरण ना छुएं क्योंकि इससे जो है आपको झटका लग सकता है। विद्युत के खराब उपकरण को कभी उपयोग ना करें। यह सुनिश्चित कर लें कि विद्युत के कनेक्शन अधिकृत इलेक्ट्रिशियन के द्वारा ही किए गए हो, मतलब इलेक्ट्रिकल कार्य इलेक्ट्रिशियन से ही करवाने चाहिए। अगर जानकारी ना हो तो खुद इलेक्ट्रिशियन बनकर कार्य ना करें। अपने कार्य पर ध्यान रखें और शांत प्रवृत्ति अपनाएं। व्यवस्थित रूप से कार्य करें। अपने कार्य करते समय दूसरों से बातचीत ना करें। बातचीत करने से दुर्घटनाएं बढ़ती है। दूसरों का ध्यान ना तोड़ें। चलती मशीन को हाथ से रोकने की कोशिश ना करें। ये सारे पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत आते हैं। अतः आपको जो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे उसमें से इनमें से कोई एक उदाहरण दिया हुआ रह सकता है कि इनमें से कौन पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत आते हैं, कौन से कार्य सामान्य सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं, कौन से कार्य मशीन की सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। अतः आपको बारी ध्यानपूर्वक इसका ध्यान रखना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट किस सेफ्टी के अंतर्गत आता है। मशीन की सुरक्षा, जिस प्रकार हम अपनी सुरक्षा करते हैं उसी प्रकार मशीन की भी सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। अगर कुछ गलत हो जाए तो मशीन को स्विच ऑफ कर दें। मशीन को हमेशा साफ रखें जिससे मशीन का लाइफ बढ़ता है। मशीन का पीरियोडिक मेंटेनेंस करें। मशीन पर घिसे हुए या क्षतिग्रस्त उपसाधन होल्डिंग डिवाइस नट बोल्ट इत्यादि को बदल दें। मतलब जो घिसा हुआ नट बोल्ट है उसको बदल दें, नहीं तो वो एक्सीडेंट के कारण हो सकते हैं। मशीन को चलाने की कोशिश ना करें जब तक कि आपको सही तरह से चलाना ना आवे। स्ट्रोक टूल वर्कपीस को तब तक एडजस्ट ना करें जब तक कि पावर ऑफ ना हो, अर्थात मतलब मशीन को पावर ऑफ करके ही कोई टूल्स या वर्कपीस को टाइट करना है या उसे खोलना है। मशीन की गति बदलने के पूर्व उसे बंद कर लें।
स्विच ऑफ करने के पूर्व ऑटोमेटिक फीड को अलग कर दें। मशीन की गति बदलने से पूर्व उसे बंद कर दें। स्विच ऑफ करने के पूर्व ऑटोमेटिक फीड को अलग कर दें। मशीन को चालू करने के पूर्व तेल का लेवल चेक करें, मतलब मशीन के अंदर जो गियर बॉक्स है या कोई ऐसा जगह जहाँ पे ऑयल की ज़रूरत है जो कि लुब्रिकेंट कार्य करता है, तो ऑयल का लेवल चेक करना इसलिए ज़रूरी है, अगर ऑयल उसमें सही मात्रा में नहीं है तो मशीन जाम हो सकता है, ख़राब हो सकता है। कभी भी मशीन चालू ना करें जब तक कि सुरक्षा गार्ड सही स्थिति पर ना लगे गए हों। जो सेफ्टी गार्ड होता है उसे लगा होने के बाद ही मशीन को चालू करें। कभी कभी मशीन के ऊपर हमको मेजरमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो मशीन को रोक कर ही हमको मेजरमेंट लेना चाहिए। बेड पर लकड़ी के मोटे पहिए का प्रयोग करें जब भारी जॉब चढ़ाना या उतारना हो, नहीं तो क्या होगा, बेड जो होता है मशीन का वो डैमेज हो सकता है। सुरक्षा एक धारणा है, उसे समझें, उसे अंडरस्टैंड करें। सुरक्षा एक आदत है, उसे विकसित करें। अर्थात वर्कशॉप में जब हम कभी कार्य करते हैं तो सेफ्टी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है, उसके बगैर हम कोई कार्य ना करें, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। अनियंत्रित और दुखद परिणाम वाली घटना दुर्घटना कहलाती है, और दुर्घटना से बचने के लिए जो हम उपाय करते हैं उसे हम लोग सुरक्षा कहते हैं। तो सुरक्षा हमारे मन में होनी चाहिए, सुरक्षा के प्रति हमेशा जागरूक होना चाहिए। बिना सुरक्षा की धारणा अपने आप में विकसित किए वर्कशॉप में कार्य करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अतः हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस पे निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। वर्कशॉप में हम लोग स्किल सीखते हैं, और हम लोगों का जो स्किल है वो सॉफ्ट स्किल है। सॉफ्ट स्किल के जरिए व्यक्ति के अभिलक्षण, सामाजिक शालीनता, उचित भाषा और व्यक्तिगत आदतें, बंधुत्व और सकारात्मकता, सभी चीज़ आते हैं जो कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारता है। अतः सकारात्मक और सफल संप्रेषण की क्षमता है, जो कि कभी कभी इसे चारित्रिक कौशल भी कहते हैं। इसके द्वारा ही वर्कशॉप में सॉफ्ट स्किल डेवलप किया जा सकता है। सॉफ्ट स्किल जो हैं वो निम्न है। कॉमन सॉफ्ट स्किल्स में दृढ़ व्यावसायिक नैतिकता, सकारात्मक प्रवृत्ति मतलब अच्छे सोच का होना चाहिए, अच्छा संप्रेषण कौशल मतलब बातचीत का अच्छा कौशल होना चाहिए, पारस्परिक कौशल मतलब कि म्यूचुअल स्किल होना चाहिए, प्रबंधन की क्षमता होना चाहिए। कोई भी कार्य में किस प्रकार से कार्य होगा, किस प्रकार से उसे सारा चीज़ जुगाड़ करना होगा, उसकी प्रबंधन क्षमता होना चाहिए। समस्या समाधान कौशल, वर्कशॉप में जो है किसी भी समस्या का समाधान करने का कौशल होना चाहिए। सामूहिक कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। सूत्रपात और अभिप्रेरण होना चाहिए। आत्मविश्वास होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, और आलोचना की स्वीकृति और उसे सीखने की क्षमता होना चाहिए। आलोचना की स्वीकृति का मतलब है कि अगर कोई आपके कार्य के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करे तो उसे स्वीकार करें, और हमेशा सीखने का लक्षण विकसित करें।
लचीला अनुकूल शीतलता मतलब सौम्य व्यवहार रखें, दबाव में भी सही रूप से कार्य करना सीखें। ये सारे चीज़ एक वर्कर में बहुत ज़रूरी हैं जो कि उसके सॉफ्ट स्किल्स के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि कोरोना में भी लोग जो है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE किट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का प्रयोग कर रहे हैं। PPE किट पहन के ही अस्पताल के कर्मचारी या डॉक्टर कार्य करते हैं ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। उसी तरह से वर्कशॉप में भी पर्सनल सुरक्षा के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि वर्कशॉप में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कौन कौन से हैं। कर्मचारी द्वारा उपयोग उपकरण औजार और कपड़े जो पहने या उपयोग किए जाते हैं वही आखिरी उनका सहारा होता है। सुरक्षा संबंधी खतरों के विपरीत कर्मचारी इंजीनियरिंग प्रणाली नियंत्रित या निकल सक खतरों के कर्मचारी को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण द्वारा बचाने की चेष्टा किया जाता है। तो आइए इस प्रकार हम देख पहले जो है PPE किट किस किस प्रकार के होते हैं उसका अध्ययन करें। PPE किट नॉन रेस्पिरेटरी मतलब गैर स्वास्थ्य संबंधी और दूसरा स्वास्थ्य संबंधी होता है। गैर स्वास्थ्य संबंधी के अंतर्गत बॉडी बाहरी इंजरी सिर की सुरक्षा आँख चेहरा हाथ भुजा पैर टांग बॉडी भागों की सुरक्षा के लिए गैर स्वास्थ्य संबंधी का प्रयोग किया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी का मतलब है इसका प्रयोग प्रश्वसन हवा को दूषित करने की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य संबंधी उपयोग के लिए करते हैं। यहाँ पे एक PPE जिसका नाम हेलमेट है को दिखाया गया है। इससे आप भलीभांति परिचित हैं। अगर कोई वस्तु गिरता है या गुरुत्वाकर्षण के विपरीत आकर्षण के चलते नीचे गिरता है या कोई छींटें उड़ता है तो ऐसे सारे परिस्थिति में हेलमेट हमारी सुरक्षा करता है। पैर की सुरक्षा के लिए सेफ्टी शूज या सेफ्टी बूट बहुत ही ज़रूरी होता है। ये पैर का गार्ड का काम करता है। इसके जरिए कभी भी गर्म छींटें अगर उड़ता है कोई वस्तु गिरता है या गीले स्थान पर कार्य करना होता है तो हमारे पैर को प्रोटेक्ट करता है। आजकल आप नोज मास्क से भली भांति परिचित हैं। वर्कशॉप में जहाँ पे वेल्डिंग किया जाता है या साफ सफाई का कार्य किया जाता है तो धूल कण नाक में जाके हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ख़राब कर सकते हैं। तो ऐसे समय में धूल कण और गैस और विषाद आदि से बचने के लिए नेजल मास्क बहुत ही ज़रूरी PPE किट है। हाथों की सुरक्षा के लिए हैंड ग्लोव्स की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ कहीं पर भी गर्म
या इलेक्ट्रिक शॉक जहाँ लगने की संभावना है, गर्म या उड़ता चिंगारी जहाँ पे है और जहाँ छाले पड़ने की संभावना है, ऐसे जगह पे हैंड ग्लव्स को पहनना है, से हमारा पर्सनल इंजरी रोकने में मदद मिलता है। गॉगल्स के द्वारा आँखों की सुरक्षा की जाती है, जहाँ यूवी, आईआर ये सारे रेज उत्पन्न होते हैं, ऐसे जगह पर गॉगल्स पहनना बहुत ही ज़रूरी है। और हैंड शील्ड, जब वेल्डिंग करते हैं तो हैंड शील्ड, जो कि आप स्क्रीन देख रहे हैं, हैंड शील्ड स्क्रीन वेल्डिंग के समय आँखों की सुरक्षा करता है। ये हैंड शील्ड से जो है उड़ती हुई चिंगारी और वेल्डिंग और ग्राइंडिंग के समय हमारी सुरक्षा होती है। वेल्डिंग के समय असाधारण छोटे जो कण होते हैं वो हमारे आँख को नुकसान करने से ये स्क्रीन हमें बचाते हैं। और यूवी रेज जो होते हैं, यूवी किरण, अल्ट्रावायलेट किरण, ये स्क्रीन से छन के आते हैं और हमारे आँख की रक्षा करते हैं। कान की सुरक्षा के लिए ईयर प्लग या कान मफ, मतलब ईयर मफ का प्रयोग किया जाता है। ये है ईयर मफ, ये है ईयर प्लग, जिससे हमारे कानों की सुरक्षा होती है। शरीर की सुरक्षा के लिए एप्रोन का प्रयोग किया जाता है। एप्रोन एक लेदर का बना हुआ ओवरऑल होता है, जिससे पहनने के बाद जब भी कभी हॉट गर्म टुकड़े या छीलन उड़ता है तो जिससे हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है। ओवरऑल्स, इसे बॉयलर या ओवरऑल्स भी कहते हैं, जिससे हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को, विभिन्न भागों को दुर्घटना होने से या नुकसान होने से ये ओवरऑल हमें बचाता है। क्वालिटी ऑफ पीपीई किट, व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण की गुणवत्ता। पीपीई किट निम्न कसौटी से संबंधित खतरों से बचने हेतु पूरी रक्षा पीपीई करता है, जिसका निर्माण उपकरणों के ना उपलब्ध होने पर भी खतरों का सामना कर सकते हैं जो कि भावी क्षेत्र में उपयोग हुआ है, मतलब उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। और पीपीई का प्रॉपर प्रयोग, मतलब कि पीपीई किट का प्रयोग जो है सही रूप से करना हमें आना चाहिए, कहाँ कहाँ पे पीपीई किट का प्रयोग करना है और पीपीई किट पहन के किस प्रकार हम अपने आप को हम बचा सकते हैं। इस प्रकार आज हम लोग दुर्घटना, सेफ्टी के तीन प्रकार, जनरल सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी और मशीन सेफ्टी के बारे में जाने, उसके बाद पीपीई किट क्या है और पीपीई किट किस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं इसके बारे में जाना। अगले क्लास में हम लोग सुरक्षा से संबंधित और भी तथ्य, जैसे कि फर्स्ट एड आदि के बारे में चर्चा करेंगे। आप स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, कोरोना से बचाव करें। आपका और अपने लोगों का ध्यान रखें। इसी के साथ मैं अपना क्लास समाप्त कर रहा हूँ।